मार्च 2022 उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय टिहरी विधानसभा सीट से इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उनकी शपथ लेने की बारी आई तो उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ अपनी मातृभाषा गढ़वाली में पढ़ी, लेकिन ये शपथ अमान्य करार दी गई क्योंकि गढ़वाली न तो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है और ना ही इसे उत्तराखंड राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का ही दर्जा हासिल है। इसी दिन कई विधायकों ने संस्कृत भाषा में भी शपथ पढ़ी थी। उनकी शपथ मान्य थी क्योंकि संस्कृत ही उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली गढ़वाली या कुमाऊनी भाषा को यह दर्जा हासिल नहीं है, लिहाजा किशोर उपाध्याय को अपनी शपथ दोबारा से हिंदी भाषा में पढ़नी पड़ी। इसे राज्य की विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि पृथक राज्य बनने के 22 साल बाद भी हमारी भाषाओं को वो पहचान नहीं मिल सकी कि हमारे प्रतिनिधि अपनी ही विधानसभा में अपनी मातृभाषा में शपथ पढ़ सकें। इस विडंबना की टीस तब कुछ और गहरे चुभने लगती है जब हम देखते हैं कि सरकारें हमारी इन भाषाओं का प्रयोग हमारे खिलाफ करने में कभी नहीं चूकी। 1942 का ये इश्तेहार ही देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी मदन मोहन उपाध्याय और उनके साथियों की धरपकड़ के लिए अंग्रेजों ने बाकायदा कुमाऊनी भाषा में इनामी इश्तहार छपवाए थे। यानी हमारी भाषाएं हमारे खिलाफ तो दशकों से आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन हमारी बेहतरी, समृद्धि, सुविधा, पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता के लिए सरकार इन भाषाओं का आधिकारिक प्रयोग नहीं कर सकती। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग काफी समय से उठती रही है। अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी उत्तराखंड के कई लोगों ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तराखंड की भाषाओं की ऐसी उपेक्षा आखिर है क्यों? क्यों गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा आज तक संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह नहीं बना सकी? क्या ये भाषाएं इस अनुसूची में शामिल होने की शर्तें पूरी करती भी हैं या नहीं? और इस तर्क में कितना वजन है कि गढ़वाली और कुमाऊनी कोई भाषा नहीं बल्कि सिर्फ दो बोलियां हैं? इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे आज की व्याख्या में, और इसकी शुरुआत करते हैं इन भाषाओं के इतिहास को समझने से। उत्तराखंड में मूल रूप से गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी के अलावा आधा दर्जन भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं के कई स्रोत हैं। इंडो आर्यन, इंडो तिब्बती और दरद परिवार की मध्य पहाड़ी भाषाएं इनमें प्रमुख हैं। वरिष्ठ पत्रकार बद्रीदत्त कसनियाल अपने एक लेख में भाषा विद्वानों के हवाले से लिखते हैं कि उत्तराखंड में न केवल आर्य मूल के खसों की आमद रही बल्कि यहाँ कोल, किरात, यक्ष, शक, किन्नर, गंधर्व, नाग, कुलींद और हूणों की भी आमद रही। खसों ने यहाँ जिन लोगों को हराकर खुद को स्थापित किया उनमें कोल और किरात मूल के लोग थे जिनकी भाषा तमिल परिवार की भाषाओं से और बड़े स्तर पर नीग्रो परिवार की भाषाओं से मेल खाती थी। भाषा पर शोध करने वालों ने कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी में आज भी निग्रो परिवार की इन भाषाओं का होना स्थापित किया है। ये तो हुई बिल्कुल ही मूल की बात। बीते 1000 सालों का भी अगर इतिहास देखें तो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की समृद्धि और इसके आधिकारिक उपयोग के कई प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार 13वीं और 14वीं सदी से पहले सहारनपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक फैले गढ़वाल राज्य में सरकारी कामकाज गढ़वाली भाषा में ही किया जाता था। देवप्रयाग मंदिर में महाराजा जगतपाल का साल 1335 का दानपात्र, देवलगढ़ में अजयपाल का 15वीं सदी का शिलालेख और महाराजा पृथ्वी शाह का 1664 का ताम्रपत्र ये गवाही देते हैं कि गढ़वाली यहाँ की राजभाषा रही है और तमाम राजा इसी भाषा में अपने आदेश तक लिखवाते रहे हैं। ठीक ऐसे ही प्रमाण कुमाऊनी भाषा के भी देखे जा सकते हैं। चंद शासनकाल में कुमाऊनी ही कुमाऊं की राजभाषा रही है। उस दौर में सभी शासकीय कार्य कुमाऊनी भाषा में ही होते थे जिसकी पुष्टि उस दौर के ताम्रपत्र, शिलालेखों और सरकारी दस्तावेजों से होती है। मसलन महाराजा अभय चंद का 1296 का अल्मोड़ा में मिला ताम्रपत्र, कीर्ति चंद का 1427 का ताम्रपत्र, महाराजा ध्रुव चंद्र का 1590 का ताम्रपत्र और बाज बहादुर चंद का चंपावत में मिला ताम्रपत्र इसके प्रमाण है। ये सभी 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक कुमाऊनी भाषा के समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान की। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा नहीं बल्कि सिर्फ बोलियां हैं। इन लोगों का एक तर्क ये भी होता है कि चूंकि गढ़वाली और कुमाऊनी की अपनी कोई लिपि नहीं है इसलिए इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाषा के ज्ञाता इस तर्क को हास्यास्पद मानते हैं क्योंकि इस लिहाज से देखें तो हिंदी की भी अपनी कोई लिपि नहीं है और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अंग्रेजी और उर्दू की भी लिपि नहीं है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में और उर्दू नस्तालीक लिपि में जो कि अरबी और फारसी का ही एक मिश्रित स्वरूप है।
इसके साथ ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 में से 16 भाषाओं की अपनी कोई लिपि नहीं है। इनमें से कई भाषाएं तो गढ़वाली और कुमाऊनी की ही तरह उसी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जो खुद भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन ब्राह्मी लिपि पर आधारित है। ऐसे में जब देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कई अन्य भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है, तो फिर गढ़वाली और कुमाऊनी को क्यों नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में फिलहाल कुल 22 भाषाएं दर्ज हैं। ये हैं असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी। इनमें से 16 भाषाएं तो शुरू से ही संविधान का हिस्सा रही हैं, जबकि 6 भाषाएं समय समय पर इसमें जोड़ी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार ऐसी 38 भाषाएं और हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर विचार हो रहा है। इन 38 भाषाओं में गढ़वाली और कुमाऊनी भी शामिल है। अब कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य से दो दो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक राज्य से सिर्फ एक भाषा को ही इसमें जगह मिल सकती है। लेकिन ये तर्क भी इसलिए गले नहीं उतरता क्योंकि कश्मीर से भी कश्मीरी और डोगरी दोनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग कोई नई नहीं है। ये मांग सालों से होती रही है और किसी भी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए जो भी मोटी मोटी शर्तें हैं वो सभी शर्तें ये भाषाएं पूरा भी करती हैं। मोटी मोटी शर्तें इसलिए क्योंकि खुद सरकार के पास भी इसका कोई निर्धारित पैमाना नहीं है। इन पैमानों को तय करने के लिए 1996 में पाहवा समिति और 2003 में सीताकांत मोहपात्रा समिति बनाई गई थी, लेकिन ये दोनों ही समितियां भी कोई निश्चित पैमाना बनाने में नाकाम रही। ऐसे में जिन आधारों पर बाकी भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, उन आधारों पर गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों भाषाएं बिल्कुल खरी उतरती हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इन भाषाओं को बोलते और समझते हैं। ये उनकी मातृभाषा है। इन भाषाओं में हर तरह का साहित्य लिखा गया है। उपन्यास, कविताएं और काव्यखंड तक लिखे गए, शब्दकोश बनाए गए हैं। इतिहास में इसके राजभाषा होने के प्रमाण दर्ज हैं। लोक संगीत से लेकर लोक कथाओं में इनका समृद्ध इतिहास है। देश की साहित्य अकादमी तक गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को मान्यता देती है और कई मायनों में तो उत्तराखंडी भाषाओं के शब्दकोश हिंदी से कहीं ज्यादा समृद्ध हैं। मसलन हिंदी में छोटे भाई और बड़े भाई का भेद करने के लिए कोई व्यवहारिक शब्द नहीं है। हालांकि अग्रज और अनुज जैसे क्लिष्ट शब्द हैं, लेकिन ये आम बोलचाल के शब्दों से बहुत दूर हैं। लेकिन गढ़वाली में भैजी और भुला जैसे सहज बोलचाल के शब्द ही इस अंतर को एकदम स्पष्ट कर देते हैं। ऐसे ही जहां हिंदी में किसी गंध को परिभाषित करने के लिए सुगंध और दुर्गंध जैसे सीमित शब्द हैं, वहीं गढ़वाली में लगभग हर प्रकार की गंध के लिए एक विशेष शब्द है। यहां तक कि अलग अलग तरह के कपड़ों के जलने से जो गंध पैदा होती है उसके लिए भी यहां अलग अलग शब्द मिलते हैं। जैसे ऊनी कपड़ों के जलने पर किड़ाण आती है और सूती कपड़े के जलने पर कुत्राण। गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों ही समृद्ध भाषाएं हैं। साल 2010 में तत्कालीन सांसद सतपाल महाराज ने इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था। इस पर जब 19 अगस्त 2011 के दिन संसद में चर्चा हुई तो उन्होंने काफी प्रभावी तरीके से उत्तराखंड की इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिलने के पक्ष में तर्क रखे। ठीक ऐसा ही एक बिल कुछ साल पहले सांसद अजय भट्ट ने भी संसद में रखा, लेकिन ये तमाम प्रयास अभी तक असफल ही रहे हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना इन भाषाओं के संरक्षण का सवाल नहीं है। संरक्षण तो विलुप्त होती चीजों का होता है, जबकि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा लोक के बीच में खूब फल फूल रही है। और वैसे भी भाषाओं को सरकार नहीं, सहकार बचाते हैं। लाखों लोग गढ़वाली और कुमाऊनी को अपनी प्राथमिक भाषा के तौर पर बोल रहे हैं, इनमें लिख रहे हैं, इनमें बन रहे गाने नई पीढ़ी को भी खूब थिरका रहे हैं। इन भाषाओं में ब्लॉगिंग भी हो रही है और व्लॉगिंग भी, और मीम्स तक बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन्हें संवैधानिक दर्जा मिलना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने लोगों की दुद बोली, हमारी मातृभाषा, आधिकारिक उपयोग और रोजगार की भी भाषा बन सके, ताकि हमारे प्रतिनिधि हमारी इन भाषाओं में शपथ पढ़ सकें और हमारे दूरस्थ गांव में बैठी हमारी ईजा बोई उस शपथ को अपनी भाषा में समझ सके, ताकि हमारे युवा अपनी इन्हीं भाषाओं में परीक्षाएं दे सकें, अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ के चलते हुए राज्य में रोजगार हासिल कर सकें, इनमें साहित्य सृजन को बढ़ावा मिल सके, और सबसे अहम बात, जिस पहाड़ी अस्मिता और पहचान के लिए उत्तराखंड पृथक राज्य का निर्माण हुआ था, वो पहचान इन भाषाओं के जरिए उत्तराखंड को मिल सके। पहाड़ी राज्य बनने के 22 साल बाद भी पहाड़ी भाषाओं की ऐसी उपेक्षा बेहद अफसोसजनक है। होना तो ये चाहिए था कि राज्य बनने के बाद दूसरी राजभाषा का दर्जा अपनी पहाड़ी भाषाओं को दिया जाता, लेकिन उनका ये हक भी मारकर संस्कृत भाषा को दे दिया गया। संस्कृत भाषा से किसी को बैर नहीं है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि संस्कृत दुनिया भर की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है,
लेकिन सवाल यह है कि क्या संस्कृत को पहाड़ के आम लोगों की भाषा कहा जा सकता है? क्या पहाड़ में कभी भी संस्कृत में संवाद या लिखा पढ़ी होती रही है या आज हो रही है? पहाड़ में संस्कृत सिर्फ पंडे पुरोहितों और कर्मकांड की भाषा रही है। ऐसे में इस भाषा को प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाए जाने की बात एक पॉलिटिकल गिमिक तो हो सकता है, लेकिन राज्य के निवासियों के लिए ये न तो उनके पहचान से जुड़ी भाषा है और न ही उनके रोजगार से। इसकी जगह गढ़वाली और कुमाऊनी को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा होना हर तरीके से ज्यादा न्यायसंगत लगता है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि जब तक इन पहाड़ी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके वैधानिक दर्जा नहीं मिलता, तब तक राज्य सरकार भी इन्हें दूसरी राजभाषा के रूप में जगह नहीं दे सकती। लेकिन 8वीं अनुसूची में तो अंग्रेजी भाषा भी शामिल नहीं है, जबकि ये कई राज्यों की पहली या दूसरी राजभाषा है। इसके साथ ही मेघालय, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कई राज्य हैं जिन्होंने अपनी स्थानीय भाषाओं को अपनी दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है, जबकि वे भाषाएं भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। पहाड़ी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा न मिलने के पीछे एक सरकारी तर्क ये भी रहता है कि इन भाषाओं की कई उपबोलियां हैं, ऐसे में किसे आधिकारिक भाषा बनाया जाए। इस तर्क पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गढ़वाली और कुमाऊनी की उपधाराओं पर एक नजर डालते हैं। कुमाऊनी भाषा की करीब 10 उपबोलियां हैं, पूर्वी कुमाऊनी की 4 और पश्चिमी कुमाऊनी की 6। ये है कुमैया, सोरियाली, अस्कोटी, सिराली, खसपरजिया, चौगरखिया, गंगोली, पछाई, दानपुरिया और रौ चाबैसी। ऐसे ही गढ़वाली भाषा में 8 उपबोलियां हैं, श्रीनगरी, बधाणी, दौसलिया, माझकुमैया, नागपुरिया, सलाणी, राठी और टिहरियाली। सिर्फ टिहरी जिले की ही कई उपबोलियां और भी हैं, जैसे तकनौरी बाड़ाहाटी, रमोलिया, जौनपुरी, रवोल्टी, बडियारगढ़ी और टिहरियाली। इसमें भी टिहरियाली के 2 भेद माने गए हैं, एक है गंगाड़ी और दूसरा जौनपुरी रवाल्टी। इन उपधाराओं की आड़ में कुछ लोग तर्क देते हैं कि ऐसे में किसे आधिकारिक भाषा के लिए चुना जाए, लेकिन भाषा विज्ञानी मानते हैं कि ये तर्क भी बेहद हल्का है, क्योंकि भाषाओं में उच्चारण और कुछ शब्दों का हेरफेर तो बेहद सामान्य बात है, जबकि लिखित प्रारूप में किसी भाषा का मानकीकरण करने की अगर इच्छा शक्ति हो तो ये काम बेहद सहज और सरल है। और असल सवाल भी इसी राजनीतिक इच्छा शक्ति का है, जिसकी कमी के चलते पहाड़ी राज्य बन जाने के 22 साल बाद भी पहाड़ी भाषाओं का सवाल हाशिए पर पड़ा है। पहाड़ी भाषाओं से जुड़ी ये व्याख्या अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही बारामासा को सहयोग करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप थैंक्स का बटन दबाकर बारामासा को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप Facebook पर इसे देख रहे हैं तो स्टार देकर हमें अपना समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के जरिए भी हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम लाते रहें पहाड़ के सरोकारों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां बारामासा।